हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयान एच बी केक्स। मैं हूँ आपका दोस्त आयान। आज हम लोग चॉकलेट स्पंज बनाना सीखेंगे। जो केक बनाते हैं उसके अंदर जो यूज किया जाता है चॉकलेट स्पंज, वो आप अपने घर में इजली तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारे वीडियो आप देखते हैं कि बगैर अंडे का बन जाता है, बगैर बिस्किट का, बगैर चूने का, ये सब में फोकस ना करें। आप अगर अपने घर में पहली बार स्पंज बना रहे हैं तो प्रीमिक्स खरीद लें, ज़्यादा कॉस्टली नहीं बैठता है, 20-30 रुपये के मिल जाते हैं, उससे आपको इजीली बन जाएगा। आप अगर दूसरी रेसिपी यूज करते हैं तो बनाने में मुश्किल होगा। आप अगर पहली बार अपने घर में बना रहे हैं तो वो जल्दी बनता नहीं। मैं भी एक सेफ हूँ, बना के देखा हूँ। आप अगर अपने घर में बना रहे हैं तो प्रीमिक्स का ही यूज करें, देखने में मिल जाएगा आपको प्रीमिक्स, या कहीं पर शॉप में मिल जाता है। ये मैंने एक बाउल लिया है, आपको भी ऐसे एक बाउल, कोई भी बाउल ले लेना है। उसके बाद अगर हाफ किलो का स्पंज बना रहे हैं, हाफ किलो स्पंज के लिए आपको 200 ग्राम प्रीमिक्स, चॉकलेट प्रीमिक्स मांगना है। अब उसके बाद आप वो बाउल में डाल देंगे, 200 ग्राम मैंने भी डाल दिया है। अब 200 ग्राम प्रीमिक्स में हम लोगों को 100 ग्राम पानी यूज करना पड़ता है, नॉर्मल वाटर, 200 ग्राम पाउडर और 100 ग्राम पानी। आप अगर बिस्किट से बनाएंगे तो वो उठता नहीं, अगर अच्छे से स्पंज, मतलब स्पंज सही से रहता नहीं है इसमें भी। और टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैंने चोको चिप्स से डाल दिया है। आप चाहे तो आपके पास अवेलेबल हो चोको चिप्स तो डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे भी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने इसे ही पानी डाल रहा है, लेकिन आप वेट करके ही डालें। 200 ग्राम पाउडर लें, 100 ग्राम पानी, उसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप अपने घर में केक बना सकते हैं, लेकिन इतना भी इजी नहीं रहता कि मतलब कोई भी रेसिपी आप यूज करके बना सकते हैं। वो जो बड़े शेफ रहते हैं वो लोग बना लेंगे, आप अपने घर में बनाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और कोई ऐसी रेसिपी यूज ना करेंगे बनाने के बाद मतलब आपको तकलीफ हो जाए बनाने, इसके लिए आप प्रीमिक्स का ही यूज करें। प्रीमिक्स मिल जाता है, ये जो मावा है आप इसको अच्छे से कोई चीज़ से, चम्मच से या किसी भी ऐसी चीज़ से इसको प्रॉपर मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम तेल ऐड करेंगे, सनफ्लावर का तेल ही ऐड करें, कोई दूसरा तेल अगर ऐड करेंगे तो फिर ये पकने के बाद क्या होता है, बेकिंग करेंगे, बेकिंग करने के बाद ये स्मेल छोड़ता है। कोई कोई कोकोनट का तेल यूज कर लेते हैं, वो तेल यूज ना करें क्योंकि खाने में अजीब लगेगा आपको। सनफ्लावर का ही तेल यूज करें, वो अच्छा रहता है टेस्ट के लिए भी। ये मेरा प्रॉपर मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं, इसको आप भी वैसे ही प्रॉपर मिक्स कर लें। उसके बाद ये देख सकते हैं आप इस तरह से मिक्स कर लें, और आप वेट करके ही डालें। 200 ग्राम पाउडर, 100 ग्राम पानी, या फिर 1 किलो केक बना रहे हैं तो आप 400 ग्राम पाउडर ले लें, प्रीमिक्स ले लें, और 200 ग्राम पानी ले लें। मतलब जितना मात्रा में आप प्रीमिक्स लेंगे उससे आधा पानी लेना है आपको, और 100 ग्राम के पीछे आपको, 100 ग्राम प्रीमिक्स के पीछे आपको 10 ग्राम ऑयल डालना है। अगर आप 100 ग्राम प्रीमिक्स डाल रहे हैं तो 10 ग्राम ऑयल ऐड करें इसमें, उससे ज़्यादा ऐड ना करें। चलो मैं भी तेल डाल देता हूँ, जो ऑयल रहता है वो डाल देता हूँ। मैं इसे ही जगह नापे ही डाल रहा हूँ, लेकिन आप जब भी उसको वेट करके ही डाल लें। मैं यहाँ पे 20 ग्राम 200 ग्राम मैंने ये लिया है प्रीमिक्स, तो 20 ग्राम मैं ऑयल ऐड कर देता हूँ, उसको प्रॉपर मिक्स कर लें। उसके बाद एक बाउल में डाल देंगे, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम
आप लोगों के नई नई रेसिपी और नए नए केक डिज़ाइन के तरीके सिखाते रहते हैं। आप ऑनलाइन भी इसका जो बाउल रहता है वो बाउल मंगा सकते हैं। ये मैंने बाउल के नीचे इसमें पेपर लगा लें, पेपर और पेपर लगाने से पहले उसमें थोड़ा ऑयल डाल दें, ऑयल या बटर यूज करें ताकि आपका जो स्पंज रेडी हो जाए तो इसमें चिपके ना, प्रॉपर निकल जाए, टूटे ना स्पंज, इसके लिए। और बटर पेपर या न्यूज़पेपर कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं आप, वहाँ पे डाल दें ये अच्छा रहेगा। और साइड से भी तेल यूज करें, जो आपका मोल्ड रहेगा उसके साइड से भी आपको तेल यूज करना है ताकि साइड से भी चिपके ना, पूरा अच्छे से निकल जाए आपका। अगर आपके पास बटर है तो बटर भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मैं तेल यूज कर रहा हूँ जहाँ पे आप बटर यूज कर सकते हैं। पूरे ऊपर लगा लें मोल्ड में, उसके बाद इसमें जो मावा हमने तैयार किया वो डाल देंगे, आप भी वैसे ही डाल लें। और कुकर जो होता है कुकर से भी आप इसको पका सकते हैं, या फिर घर में अगर माइक्रोवेव है तो उससे पकाएं जो आपके पास अवेलेबल हो। काफ़ी जो ये स्पंजी है ये काफ़ी स्पंजी रहेगा और टेस्ट में भी बहुत बेहतर रहेगा। आप कोई भी कंपनी का प्रीमिक्स यूज करके ये बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको प्रॉपर से मतलब चारों तरफ बराबर करके फैला दें, ये यहाँ पे ना रखें जैसे मैंने फैलाया वैसे ही फैला दें। ये हमारा एक स्टेप रेडी हो चुका है, इसको सिर्फ बेकिंग करना बाकी है, इसको बेकिंग कर लेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है इसकी वजह से, एक स्टेप में हम लोग ये सीखते हैं, दूसरे स्टेप में हम लोग बेकिंग करना सीखेंगे। ऊपर से भी चोको चिप्स आप चाहें तो डाल सकते हैं, इस पंच का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस तरह से आप अपने इस पंच बना सकते हैं। आप अगर अपने घर में केक बना रहे हैं तो बेकिंग करना, बेकिंग कैसे करना है वो दूसरे वीडियो में हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए बाय बाय।